दोस्तों, तो आज अपन बात करेंगे सीपीसीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ये मित्रों कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको पटवारी में भी काम आ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपने चैनल जीएस की दुनिया में आपका स्वागत है। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहूंगा, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, वहां भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप वहां पूछ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दे दूंगा, उससे भी आप वहां जाकर जुड़ सकते हैं। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये मलप्पुरम हो जाएगा, और यदि राज्य आ जाए तो आपको क्या लगाना है? केरल लगाना है, केरल हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता? तो देखिए, कंप्यूटर में अपन इनपुटिंग करा सकते हैं, प्रोसेस तो पूरी होती है, कंट्रोल भी करा सकते हैं, कंट्रोलिंग भी होती है, आउटपुटिंग भी होती है, परंतु अंडरस्टैंडिंग यानी जब तक अपन कंप्यूटर में कोई कमांड नहीं देंगे उस तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा, मतलब उसकी सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। तो नेक्स्ट मित्रों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट मित्रों, बैंकिंग लेन देन में ECS का क्या अर्थ होता है? तो ECS का फुल फॉर्म एक तरह से पूछा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ECS का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस हो जाएगा। नेक्स्ट मित्रों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो कंप्यूटर जो है वो डाटा को प्रोसेस द्वारा काय में बदल देता है? इंफॉर्मेशन में बदल देता है। और ये जो डाटा होता है ना वो अव्यवस्थित होता है, और जो सूचना होती है ना, सूचना वाला डाटा, वो कैसा होता है? व्यवस्थित हो जाता है बाद में जाके। नेक्स्ट मित्रों, किस टूल बार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड टूल बार में आप फॉर्मेट पेंटर टूल प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों जितने भी ये टूल बार वगैरह पूछते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का प्रयोग करें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप प्रयोग करेंगे उतने ही आराम को आपको आराम से क्वेश्चन बनते जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 से आते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, फाइंड ऑप्शन का यूज़ करके हम सर्च कर सकते हैं। फाइंड ऑप्शन का अपन यूज़ कब करते हैं? जब अपन को कोई वर्ड वगैरह ढूंढना हो, तो कैरेक्टर्स के लिए, फॉर्मेट्स के लिए, सिंबल्स के लिए, इन सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, यानी सभी के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, एमएस वर्ड क्या है? यानी ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, टाइपिंग ट्यूटर कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ये क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगी कंट्रोल प्लस F12। आप जैसे ही कंट्रोल को दबा के F12 को दबाएंगे, आपके सामने ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप नहीं माने तो आप प्रयोग वहां पे कर सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, बैकग्राउंड कलर या डॉक्यूमेंट में डाले गए इफेक्ट में दिखाई नहीं देता। जैसे ही आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड का कलर या जो भी इफेक्ट वगैरह डाला है वो आपको दिखाई नहीं देगा। मैं अभी आपको लो दिखा देता हूँ। ये देखिए मित्रों, मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोल लिया, और जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, तो आपको देखिए ओनली वर्ड दिखाई दे रहे हैं लगे हुए, जो भी बैकग्राउंड का कलर था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही मैं क्लोज करता हूँ, आपको जो पेज का बैकग्राउंड का कलर है वो आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो टाइटल बार तो सही है, स्टेटस बार भी सही है, प्रॉपर्टीज बार भी होता है, ऊपर डाउन बार कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट किस टूल बार के बटन होते हैं? तो ये होता है हेडर एंड फुटर। आप जैसे ही हेडर एंड फुटर खोलेंगे और वहाँ पे एडिट लिखा हुआ है, एडिट हेडर, तो आप देखेंगे सारे ऑप्शन ये आपको आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, पेज बॉर्डर ऑप्शन किस मेनू में होता है? ये मैं फिर कह रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 में ही आपको दिखेगा, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो पेज बॉर्डर ऑप्शन किस में होता है? फॉर्मेट मेनू में होता है। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, मेल मर्जर में कुल कितने स्टेप होते हैं? तो मेल मर्जर में 8 स्टेप होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है? तो क्या हो जाएगा? लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस इंटर। आप जैसे ही शिफ्ट प्लस इंटर से दबाएंगे तो लाइन ब्रेक होके जो कर्सर होता है टाइप करने वाला, ऐसा आई जैसा आपको दिखेगा, वो नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, यानी लाइन ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन होता है ये फॉर्मेट मेन्यू में होता है। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए, एमएस वर्ड में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटो समराइज ऑप्शन में कितने टाइप से समरी को अपन बना सकते हैं? तो ये कितने 4 प्रकार से अपन उस समरी को बना सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों,
अब देखिए इनमें से किस टूल बार की मदद से हम फॉन्ट की साइज और कलर को बदल सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग के द्वारा अपन फॉन्ट की साइज बदल सकते हैं, कलर भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए गुटर की पोजीशन हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुटर की पोजीशन हो जाएगी मित्रों लेफ्ट एंड टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट पेज के लेफ्ट तरफ का मार्जिन डिफॉल्ट रूप में कितना होता है? तो ये डिफॉल्ट रूप में 0.25 होता है। नेक्स्ट मित्रों, अब देखिए इनमें से कौन सा एक टूल बार नहीं है? तो वर्ड काउंट टूल बार है, टेबल एंड बॉर्डर भी टूल बार है, रिव्यूइंग टूल बार है, परंतु डॉक्यूमेंट मैप ऐसा कोई टूल बार नहीं है। नेक्स्ट मित्रों, किसी टेक्स्ट के केस को बदलने की शॉर्टकट की क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होती है Shift+F3। अब देखिए केस क्या होते हैं, जैसे आपको कोई ये टेक्स्ट लिखा है, इसको आपको सारे कैपिटल करने हैं, सारे स्मॉल करना है, पहला वर्ड जो ये है ये कैपिटल करना है, तो ये इसको केस कहते हैं। तो आप इसको Shift+F3 से डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। तो ये मित्रों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, मैं और भी वीडियो इससे रिलेटेड लाता रहूँगा। आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के बगल में आपको एक बेल आइकन दबेगा, जिस बेल आइकन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके वीडियो के नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।